दिखता है ना इसमें तो दिल आ जाता है यार, आप खुद ही बता सकते हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। पूरा अल्मोड़ा है जो आपको दिख रहा है। इन नाइट जो नाइट व्यू है ना इसका, कोई साथ में हो तो ना तो डर की बात नहीं है, तो आराम से अपना चलते रहो। इस रोड तो बिल्कुल मक्खन है यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया। आज हमारा प्लान है रानीखेत जाने का। इवन यहाँ से 10 किलोमीटर रानीखेत और बचा है। तो अभी मैं अल्मोड़ा से जब आ रहा था तो शूट नहीं कर पाया क्योंकि इंट्रो नहीं दे पाया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा था। तो हमने सोचा क्यों ना आगे ही दे दें। हमारे साथ अभिषेक भाई भी हैं जो कि मतलब हमको सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि इनके साथ पहले रानीखेत इनके दोस्त जाने वाले थे। मैंने बोला भाई मैं चल लेता हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉग शूट भी करना है। तो ये भाई मतलब यार सपोर्ट करते हैं मेरे को, तो इनसे मिलाता हूँ मैं भाई से। तो ये हमारे अभिषेक भाई, अब कुछ बोलना चाहोगे सर? भाई सब्सक्राइब करें इनका चैनल, और बाकी आपको सपोर्ट रहा तो फिर एक दिन लद्दाख। तो सपोर्ट करते रहते यार, बोलते हैं कि भाई मेहनत करो ये करो, मतलब क्यों ना चैनल एक दिन चल जाएगा। तो देखता है आगे का सीन जो भी होगा। और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रखी थी अभी सुबह, बट अभी ये वाली लोकेशन का मज़ा लीजिए आप पहले, ये देखिए। व्यू दिखता है ना इसमें तो दिल आ जाता है यार, आप खुद ही बता सकते हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। अल्मोड़ा है जो आपको दिख रहा है। इन नाइट जो नाइट व्यू है ना इसका, ये तो बहुत बहुत प्यारा है। अभी हमें मतलब टाइम हो गया है, रूम से निकल चुके हैं हम। अभी हमने रानीखेत जाना है, तो अभी हम रूम तरफ आई सुकून, मतलब एक तरफ के सुकून है। ये भी जिंदगी में जो है वो भगवान का नाम लेते हैं। और जब कोई साथ में हो तो ना तो डर की बात नहीं है, तो आराम से अपना चलते रहो, कोई बात नहीं कि मतलब डर नहीं लगती। तब तो अकेले हो तो तब थोड़ा मन है होता ही है। कोसी क्रॉस करके ये जो ये वाला रूट है, ये रानीखेत वाला है, करीबन यहाँ से 33 किलोमीटर। तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच जाएंगे रानीखेत, मतलब एक घंटा मान के चलिए, आराम से भी जाएंगे तो उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और ये भी मतलब उजाला होने लग गया है, और ये वाला व्यू देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है। तो इस पर तो दिल ही आ गया, मतलब यार समझ सकते हो। तो गाइस अभी मतलब निकलते हैं आगे को, देखते हैं फिर आगे को क्या सीन होता है, क्योंकि शहरों में हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइट आइट होती है। तो पहाड़ों में क्या है, खाली जंगल है, पेड़ वेड़ दिखने को मिल जाएंगे और अंधेरा रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी तो उजाला होने लग गया है, तो अभी फिर मिलते हैं फिर उजाले में बढ़िया सी। अभी मैं मतलब ऊपर लोकेशन में रुका था जब अल्मोड़ा से आया था, तो अब अंधेरा था तो मैं मतलब वो नहीं कर पाया जो था सीन। बट अभी हम यहाँ पे प्यारी सी लोकेशन पे हैं, जो कि आप देख ही सकते हो ये वाली लोकेशन कितनी प्यारी लग रही है, पहाड़ नेचुरल, मतलब नेचुरल ब्यूटी पहाड़ की। और अभी हमने करीबन 20 किलोमीटर और जाना है, शायद 20 किलोमीटर है ना रानीखेत तक, 10 किलोमीटर रानीखेत तक है। तो देखते हैं फिर, अब आर्मी वाला एरिया भी शुरू हो जाएगा, दिखाते हैं आपको, मिलाते हैं। Thank you.
भाई मैं मतलब वीडियो बना रहे हैं यार, लाइक और वो तो बनते हैं यार। और कहीं जो पुराने हैं ना तो यार वो भी थोड़ा वीडियो शेयर करके ना यार थोड़ा भाई को यार सपोर्ट करिए यार, मतलब समझ सकते हैं यार भी अपनी फीलिंग यार, क्योंकि आप मतलब यार सपोर्ट करोगे तो यार हमको भी अच्छा लगेगा। और यार मतलब सपोर्ट करिए यार गाइस, जो नए हैं तो ना सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस फाइनली ये सोमनाथ ग्राउंड आ गया है, जो ये भाई है ना हमारे साथ अभी से एक इन्होंने यहाँ मतलब। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं रानी खेत में, और अभी आपको मैंने सोमनाथ ग्राउंड दिखाया था, तो तब उन्होंने फौजी मतलब जो फौजी है जिनकी ड्यूटी लगी थी गेट पे, तो उन्होंने मना कर दिया था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी तो तब उसके लिए उन्होंने मना कर दिया होगा। बट हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा अभिषेक भाई का काम है, फिर उसके बाद देखते हैं काम कब तक निपटाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आज यहीं रहेंगे वरना फिर चल लेंगे शाम तक, क्योंकि जल्दी आ गए थे, फिर देखते हैं क्योंकि 9 बजे से तो पहले ही पहुँच गए हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद ही काम था। तो आपको मैं पहले यहाँ का एक व्यू दिखाता हूँ प्यारा सा, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। तो आप लोकेशन तो देख ही सकते हो कि कितनी प्यारी लग रही है, बट एक बार बैक से दिखाता हूँ आपको मैं। गाइस फाइनली काम वाम निपटा के रानी खेत जो काम था तो घर पहुंच चुका हूं, और उस दिन हमें मतलब यार थोड़ा ज़्यादा काम था तो लेट हो गया, दूसरे दिन आए हम वापस तो वहां पे बिजी थे तो ब्लॉग भी नहीं बना पाए उतना। तो गाइस ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ना यार, तो मतलब कैसा लगेगा ये बताना आप मेरे को कमेंट में, और जो नए हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाइक तो आप कर ही दोगे मुझे भरोसा है। मिलते हैं फिर उसके बाद नए धमाकेदार ब्लॉग में। अभी मैं अभिषेक भाई के रूम में हूँ, बस यार नाश्ता वास्ता करते हैं, अभी मतलब यार थक गए थे तो यार लेट उठे आज करीबन 9:30 बज गए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के बने रहे हमारे साथ, टाटा।